वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मेरा डे टू डाइट का एंड सुबह सुबह मैंने मशीन लगा ली है एंड आर्द्विक भी उठ चुका है और अभी मैं लेने वाली हूँ मेरा मील नंबर वन एंड आर्द्विक मुझसे छीन रहा है मेरा ओ नो ये क्या किया आधा आधा बनाना आर्द्विक ने तोड़ लिया और हंस रहे आर्द्विक इधर आओ ये क्या किया आपने मम्मा का बनाना ले लिया आपने बनाना क्या ये बनाना क्या करोगे हाफ बनाना का खाओगे बनाना जोड़ दो इसको जोड़ दो इसको तो चलिए जल्दी से हम अपना बनाना फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद ब्रेकफास्ट के टाइम पे मिलेंगे। हाय कर दो हाय कर दो हाय बस 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 कैमरा में नहीं जाना हाय बोल दो हेलो चलिए जल्दी से हम अपना बनाना फिनिश कर लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं बाय बाय कर दो बाय। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं ब्रेड पकोड़े एंड यस डाइट के दिन पे ब्रेड पकोड़े ऐसा ही होता है। जिस दिन डाइट शुरू करो ना या तो बारिश आ जाएगी या घर वालों की जो चॉइसेस है वो पूरी करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करना रख दिया है और ब्रेड पकोड़ों की सारी तैयारी कर दी है एंड यस गाइस रुजुता मैम के अकॉर्डिंग हम घर पर तले हुए पकोड़े खा सकते हैं इन द रेनी सीजन, लेकिन वो एक लिमिट में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लेट भर के खाने लग जाओ, जी नहीं। तो लेकिन अगर हम घर पे फ्राई करते हैं और डीप फ्राई, माइंड इट डीप फ्राई, ऐसा नहीं है कि एयर फ्रायर में या शैलो फ्राई, जी नहीं, डीप फ्राई भी आप खा सकते हो लेकिन एक मॉडरेशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसीलिए स्पेशली ये बुक निकाली एंड बुक में जो मैम की बुक है लूज़ योर वेट डोंट लूज़ योर माइंड, उसमें डीप फ्राइंग के ऊपर एक स्पेशल कॉलम भी बना हुआ है जिसमें अच्छे से बताया गया है कि आप 4 से 5 पकोड़े खा सकते हो, 3 से 4 पूड़ीज खा सकते हो, 7 से 8 पकोड़े खा सकते हो, लेकिन उसे टिश्यू पेपर से ऑयल को रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा रिमूव कर दिया था। सो यस ब्रेकफास्ट में आज ब्रेड पकोड़े थे। एक्सक्यूज मी व्हाट टाइम इज इट? इट्स टाइम फॉर लंच। सो गाइज आज का जो मॉर्निंग स्नैक है वो मिस हो गया था तो हम डायरेक्टली लंच पे आ रहे हैं और लंच में मैं बना रही हूँ दही की सब्ज़ी क्योंकि बहुत ही इजीली बन जाती है और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है सोचने का कि क्या बनाएं, बनाने में उतना टाइम नहीं लगता जितना सोचने में लगता है। जितने भी हाउस वाइफ है या जितने भी लेडीज़ है या जितने भी जो भी लोग खाना बनाते हैं अच्छे से जानते होंगे इस प्रॉब्लम को कि सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो सोचने में लगता है बजाय कि खाना बनाने के। तो बहुत ही सिंपली मैंने बनाया है, थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें जीरा डाल दिया एंड प्याज और हरी मिर्च डाल दी और उसे अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद उसमें हम थोड़े से मसाले डाल देंगे, नमक मिर्च हल्दी एंड धनिया पाउडर। मिर्च नहीं, मिर्च मैं काली मिर्च ही यूज़ करती हूँ, मैं लाल मिर्च कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। एंड बस ये बेसिक से मसाले डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे, एक बारी सॉटे कर लेंगे कुकिंग की भाषा में बोलेंगे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे एंड उसके बाद हम अपनी दही डाल देंगे। एंड मैंने ये रेसिपी फर्स्ट टाइम ट्राई की, मुझे नहीं आती थी, इंटरनेट से देख के मैंने इसे बनाया यस क्योंकि दही की सब्ज़ी मैंने सुना था बट मुझे आती नहीं थी बनानी एंड आई वॉज कन्फ्यूज़ कि टमाटर डलेंगे या नहीं, बट नहीं डलने थे। सो यस यहाँ पे मेरी जो दही की सब्ज़ी है वो रेडी हो गई एंड फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, अच्छी बनी थी, हस्बैंड को भी अच्छी लगी। सो यस ये एक सक्सेसफुल मेरी कुकिंग थी तो इसलिए मैंने शो कर दी रेसिपी इन केस अगर आपको नहीं आती है तो। सो लंच में मैंने लिया ये दही की सब्ज़ी जो कि ज़्यादातर पनीर की भुर्जी टाइप में लग रही थी, इवन खाने में भी ऐसी लग रही थी एंड 2 चपातीज मैंने ले ली और साथ में ले लिया मैंने सैलेड। और अब बारी आती है हमारे इवनिंग स्नैक्स की। तो इवनिंग स्नैक्स में मैंने लिए थे मखाने जिन्हें कि मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और इसमें काला नमक और काली मिर्च डाल के इसे रोस्ट कर लिया था। बहुत सारे मसाले मैंने इसमें नहीं डाले बट अगर आप इसकी चाट बनाना चाहो तो आप इसकी चाट भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। किसी मे बी नेक्स्ट या फिर उससे थोड़े 2-3 दिन बाद मैं ट्राई करूँगी इसकी एक चाट रेसिपी बनाऊँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। सो अगर आप ऐसे सिंपली, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगता हो, तो आप इसकी चाट बना के भी खा सकते हो। एंड पानी का इंटेक मेरा थोड़ा कम हो रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि पानी ज़्यादा पीऊँ, लेकिन बारिश की वजह से जो पानी का इंटेक है वो कम हो रहा है, लेकिन अब मैं इसे ठीक करूँगी। एंड उसके बाद मैंने डिनर में आज बना ली थी खिचड़ी, बहुत ही सिंपल सी खिचड़ी बनाई, बहुत ज़्यादा तामझाम सब्जियों वाली खिचड़ी नहीं बनाई। एंड क्योंकि ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी था, पकोड़े थे, एंड लंच नॉर्मल था, तो इसलिए मैंने आज खिचड़ी बना ली ताकि हल्का सा डिनर हो। एंड डिनर मैं बहुत जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, बीच में मेरा जो डिनर है वो 10 बजे होने लग गया था, तो इस चीज़ को मैंने ठीक किया और अभी मैं 8:30 बजे तक डिनर कर लेती हूँ। अब मेरी कोशिश यही है कि मैं 8 बजे से पहले, अगर हम एकदम से शुरू करेंगे कि 8 बजे खाने लग जाए तो हम बहुत जल्दी इस डाइट प्लान से हट जाएंगे, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, मैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे से ठीक करना चाहती हूँ। सो यस, ये मेरा डिनर था। तो बस गाइस, वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। एंड आई सेकेंड डे था, अच्छा रहा, एक्चुअली कल था सेकेंड डे, आज थर्ड डे स्टार्ट हो गया, लेकिन वीडियो को एंड करना था तो रात को तो मैं कर नहीं पाई बिकॉज ऑफ लाइटिंग एंड ऑल, लाइट भी नहीं थी रात को। सो अभी जस्ट उठी हूँ एंड इस वाले ब्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ और नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग है वो मैं शुरू करूँगी। एंड बस गाइस, आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मिलेंगे हम कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।